सुना है कि मीसा के तहत ऑपोजिशन के दो और लीडरों को जेल में डाल दिया। प्रेस सेंसरशिप है भाई, अखबार में सब अच्छा ही छपता है। वो क्या है? सुनने में चाहे कुछ भी है, देखो। हेलो हेलो, कौन सा कट करना है जी आपको? साधना कट, हेलन कट या फिर बॉब कट? स्टाइल कोई भी हो, आप बस ऐसा कुछ करो कि मैं कॉन्फिडेंट दिखूं। कोई गल नहीं, मैं कर लांगी। इंदु, शादी के बाद इंदु सरकार, उससे पहले सिर्फ इंदु। जब से मैंने होश संभाला, अपने आप को अनाथालय में पाया। मैं वहां बाकी बच्चियों में खास थी, सबसे खूबसूरत। बेटा कोई कविता सुनाओ। कोयल। लेकिन मेरी हकलाती हुई जबान मेरा वर्तमान बनके मेरे भविष्य को वहीं पे रोक लेती थी। मैं एक एक करके सबको मुझसे दूर जाते हुए देखती रहती थी। मैंने अपनी तन्हा जिंदगी को किताबों में दफन कर दिया। मुझे बहुत पढ़ना था, स्कॉलर बनना था। स्कूल की पढ़ाई करते करते पता नहीं कब मैं कविताएं लिखने लगी। कभी हंसता नहीं, कभी रोता नहीं, ये शहर आवारा कभी सोता नहीं। 13-14 साल की उम्र में सोचा कि मैं कलम की उंगली थामे जिंदगी गुजार लूंगी। मैं एक लेखिका बनूंगी या फिर शायरा। इंदु, तुम ये कवि बनने का सपना छोड़ दो बेटा। हकीकत को समझो इंदु, कवि बनने से कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कवियों की किताबें कौड़ियों के मोल बिक जाती हैं। तुम वही करो जो हिंदुस्तान की सारी लड़कियां करती हैं, शादी ब्याह रसोई और बच्चे। नवीन, मेरे साथ ही रहना प्लीज। डोंट वरी, मैं हूं ना। ये पल में संभल ये पल से निकल। ओ नवीन जी, ओ वेलकम जी, ओ पापी जी, नमस्ते, वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। अच्छा, इनसे मिलो, ये है बाजवा जी, दिल्ली के बहुत बड़े बिल्डर। जी ना जी ना, कोई बहुत बड़े बिल्डर ना है जी, साढ़े एक ही पहचान है सरकार कि हम नवीन जी के यार। वैसे बाजवा जी, आपने काफी शानदार पार्टी थ्रो किया है उमनाथ जी के लिए, बड़े खुश होंगे सर। एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। सांसें तो है बहता पानी, रुकती कहाँ आनी जानी, बाकी तो सब कुछ कहानी। अरे यार, ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, पूछो लो सूरज, सारा काम ठप हो गया। आ गए नवीन सरकार। ये जो है ना, अपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ओमनाथ के एकदम खास है, और ओमनाथ जी अपने चीफ के। यार देखो, एमरजेंसी में सिर्फ दो ही लोग चलते हैं, एक तो पुलिस मैन की और एक यस मैन। सही कहा त्यागी जी। वो है मिस्टर कपूर, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम पटना। हेलो नवीन। राम मोहन जी, इंदु इनसे मिलो, ये है मंजू कुशवाहा।
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन और ये है राम मोहन जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड। नमस्ते भाभी। नवीन से आपके बारे में सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। ओए एक्सक्यूज मी जी, एक्सक्यूज मी भाभी जी, थोड़ी परमिशन हो तो मैं नवीन जी से दो मिनट अकेले में गल कर सकता हूँ। थैंक यू। नवीन जी कुछ बात बड़ी मंत्री जी से। बाजवा जी आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है, 3 महीने से लगे हुए हैं, तब जाके इतने बड़े बड़े लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है। जितने भी पेपर्स है, ब्रीफिंग्स है, सब मैंने ओमनाथ जी को फॉरवर्ड कर दिया। समझो तुर्कमान का प्लान पास हुई थी। चाली कुट्टे चाली कुट। नमस्कार खुराना साहब। क्या बात है। नमस्कार नमस्कार। चड्डा साहब कैसे हैं? मंत्री मंत्री जी आ गए। अरे बाजवा साहब वेलकम सर। कैसे हो? सब फेमस से मैं आई हूं। बहुत धन्यवाद जी। अरे सब ठीक है सर। कौन किसके साथ है यहाँ इसकी नहीं है खबर। हमारी एनिवर्सरी के लिए बाजवा साहब पार्टी तो बहुत ही शानदार दिया। बस आपकी सेवा का मौका मिल गया जी। थैंक यू सर। आपकी शादी के सालगिरह पर मेरी मिसेस ने आप दोनों के लिए एक कविता लिखी, अगर आपकी इजाजत हो तो वो सुना सकती है सर। हाँ हाँ क्यों नहीं, आई लव पोएट्री। एक मिनट सर। आइए सर। आइए आइए। बस एक मिनट। खुशबू से छलकती चंदन सी शाम आई है, चाहत की दास्तां धरती पे उतर आई है, माथे पे मेरी बिंदी छुई तो यूं लगा था, हाथों में उनके मेरी किस्मत की रेखा छाई है। आधी सी रात तेरी, आधा सा चांद मेरा, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो ही डाली किसी ने तोड़ डाली। वेरी नाइस गुड। नाउ से एनेस्थीसिया से ई या एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया गुड ई या ई या वेरी गुड। आज के लिए बस इतना ही। पुष्पा जी क्या लगता है? बहुत फास्ट सीख रही हो इंदु, दिस इम्प्रूवमेंट गुड। पर कब तक बोलना पूरी तरह ठीक हो जाएगा? जल्द ही। यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू। अहिल्या एनजीओ इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करती है। आशा करता हूं कि आज यहां से ठीक है। बहुत अच्छी लग रही हो, चलो अब वर वधू बन के जाएंगे। वो देख इंदु, राजेश खन्ना जैसा दिख रहा है ना, आराधना वाला। चुप, बागों में बहार है। अरे इंदु इंदु कहाँ तक पढ़ी हो? बीए। कुंडली है? हाँ।
जरा चल के तो दिखाओ जी। हमें देखना है चलने में कोई खोट तो नहीं है। चलने में नहीं, बोलने में खोट है। कब से है ये बीमारी? बचपन से, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, फिर मिलते हैं, चलो। आप हर बार खुद ही चलकर लड़कियां देखने आते हैं और खुद ही हर एक को मना करके चले जाते हैं, बात क्या है? ठीक है, मत बताइए।